अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बादामी खीर और पूरियों की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही फूली फूली सी पूरियां हैं, बहुत ही इजीली घर में बन जाती हैं और ये खीर भी बहुत ही डिलीशियस होती है। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। खीर बनाने के लिए मैंने 1 कप चावल ले लिए थे और इनको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी 4 गिलास पानी के। स्लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाएं, बिल्कुल नरम हो जाएं। 20 मिनट बाद अब ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन हम इस तरीके से इनको मैश कर लेंगे। आप कोई भी चीज़ ले लें मैश करने के लिए। अच्छे से हम मैश कर लेंगे चावलों को। मैश करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास पानी का। मिक्स करते जाएंगे, जो जो चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे इसमें साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। आलमंड पाउडर यानी कि बादाम का पाउडर मैं डालूंगी इसमें 3 टेबल स्पून। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। 1/2 कप चीनी ऐड कर रही हूँ मैं। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इलायची पाउडर में डालूँगी 1 टीस्पून। हमेशा कोशिश किया करें पाउडर फॉर्म में डाला करें इलायची को, किसी भी मीठे में आप डालें तो पाउडर फॉर्म में डालें, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। और इसमें मैं ऐड करूंगी मिल्क पाउडर 1 कप प्लस 1/2 कप, यानी कि 1.5 कप मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर इसमें। जल्दी से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्विकली मिक्स करना है हमें इसको। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। इसमें मिल्क पाउडर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं लिक्विड मिल्क ऐड करूँगी 3 कप्स। मिल्क ऐड करने के बाद मैं मिक्स करूंगी और अब इसका जो टाइम पीरियड है, कुकिंग टाइम पीरियड जस्ट 2 मिनट है। ये बहुत ही थिक फॉर्म की खीर होती है और बहुत अच्छी लगती है खाने में। मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे हम 2 मिनट के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे कि अभी से ये थिक नज़र आना शुरू हो गई है। और अब इसमें मैं डालूँगी केवड़ा एसेंस। जस्ट 2 ड्रॉप्स में केवड़ा एसेंस की डालूंगी। अगर आपको केवड़ा एसेंस की खुशबू पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लूंगी। खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं जो असेंबल करूंगी वो मिट्टी की प्लेट में करूंगी। ये बहुत खूबसूरत लगती है, इसमें बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर ये खीर जो है इसी में डेकोरेट की जाती है। इसमें मैं डाल दूंगी और खीर को मैं साइड पे रख दूंगी जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। खीर को मैं इसमें डाल के साइड पर रख दूंगी जब तक कि रूम टेम्परेचर पर आएगी। मैं जब तक डो बना लूंगी पूरियों का। पूरियों का डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, 1 कप सूजी का ले लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबल स्पून घी मैं ऐड कर दूंगी। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी क्रम्बल फॉर्म में, ताकि ये आ जाएं। और साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक हार्ड सा डो तैयार कर लूंगी। इसका डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड डो होना चाहिए। बहुत ही अच्छे से हमने इसको गूंद लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, ज़्यादा पानी एकदम नहीं ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और शेयर किया करें। बहुत अच्छे से हमने पंच लगा लेना है इस डो को। डो हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए।
डो बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये हार्ड सा डो है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद अब हम एक दफ़ा इसको फिर से गूंद लेंगे और छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। पूरियों का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, आप छोटा रखना चाहें या बड़ा रखना चाहें। थोड़ा सा पतला भी लेंगे हम इनको। जैसे ही पूरी को हम गरम गरम ऑयल में डालेंगे, मीडियम फ्लेम होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना है नीचे की तरफ और ये अच्छे से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गई है। लाइट सा ब्राउन कलर करना है हमने इसका और ये देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है। इसी तरीके से हम सारी पूरियाँ बना लेंगे अपनी। जैसे ही ऑयल में डालेंगे और उसको डाउनवर्ड हमने प्रेस करना है, हमारी फूली फूली सी पूरियाँ तैयार हो जाएंगी। अब कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है पूरियों का। पूरियां हमारी तैयार हैं, फूली फूली सी मज़ेदार सी पूरियां। और अब हम खीर को डेकोरेट करेंगे। मैं बादाम से डेकोरेट कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं, और भी अगर आप नट्स यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये बादामी खीर है तो मैं बादाम से ही डेकोरेट करूँगी इसको। मज़ेदार सी बादामी खीर और पूरियां रेडी हो गई हैं। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।